गुड मॉर्निंग क्लास, दिस क्लास इज MSc क्लास, सो प्लीज टेक आउट योर MSc बुक, मीन्स मोरल साइंस बुक, एंड नाउ ओपन योर बुक. प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोग को चैप्टर 2 का रीडिंग लगाया था और साथ में एक्सप्लेन करा था चैप्टर 2 फियर ऑफ गॉड. तो इसी चैप्टर का आज हम लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर करना. पेज नंबर 9 पे आइए. पेज नंबर 9 पे आपका एक्सरसाइज है. चैप्टर 2 का एक्सरसाइज, चैप्टर 2 फियर ऑफ गॉड. पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज. तो फर्स्ट हमारा ओरल क्वेश्चंस, इसे हम लोग करते नहीं है तो इसे हमें नहीं करना है. बी ए टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो चलिए करते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, ठीक है, और स्टेटमेंट के कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं. उन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, उस जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर हम लोग टिक करेंगे. तो फर्स्ट है हमारा There were two dash brothers. जो एक भाई थे दोनों, वो कैसे थे? डर्टी थे. डर्टी, नॉटी या ब्यूटी? दोनों भाई जो थे वो कैसे थे? डर्टी थे, नॉटी थे या ब्यूटी थे? दोनों भाई बहुत ही क्या थे? नॉटी थे. तो फर्स्ट वाला ये हमारा डर्टी है, बी वाला क्या है? नॉटी है. तो जो बी वाले के बाद सर्कल दिया है उस पर टिक कर दीजिए और इसी नॉटी को यहाँ पे फिल कर दीजिए जो ब्लैंक दिया हुआ है. तो फिल कर देते हैं. NAUGHTY, नॉटी, ठीक है. फिर नेक्स्ट सेकंड है हमारा मदर आस्क्ड अ डैश टू टॉक टू हर सन. मदर आस्क्ड अ डैश टू टॉक टू हर सन. टीचर, प्रिस्ट, डेंटिस्ट, सीयर डेंटिस्ट. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? हमारा इसमें भी बी ऑप्शन सही होगा, बी, प्रिस्ट. मदर ने किससे कहा था बात करने के लिए? अपने सन्स को, बेटों को, पुजारी जी को. तो बी जो हमारा प्रिस्ट है उस पर टिक कर दीजिए और यही फिल कर देंगे यहाँ पे. पी आर IEST. फिर नेक्स्ट थर्ड है हमारा द बॉय डिड नॉट रिएक्ट, आस्क या वेंट. जो बॉय था, जो लड़का था, वो क्या नहीं किया? रिएक्ट नहीं किया या आस्क नहीं किया या वेंट नहीं किया? तो जो लड़का था उसने रिएक्ट नहीं किया था. REACT, रिएक्ट. जो ए वाला आपका ऑप्शन वो टिक होगा. तो ये हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ठीक है. तो ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन यहीं पे फिनिश होता है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्री दिए हुए थे, थ्री क्वेश्चंस थे, थ्री हमारे कंप्लीट हो गए. फिर नेक्स्ट देखते क्या दिया है. नेक्स्ट दिया हमारा कंप्लीट द स्पेलिंग्स. तो ये जो हमारी स्पेलिंग्स दी हुई है इसको हमको कंप्लीट करना है. देखिए कुछ कुछ अंडरलाइन यहाँ पे किए गए हैं, वहां पे उस स्पेलिंग के वर्ड नहीं है, तो उस वर्ड को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, सॉरी उस लेटर को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, फिर ये हमारा स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो फर्स्ट हमारा दिया है BR-TH-RS. तो जहां जहां पे डैश दिया है वहां वहां पे हम लोग क्या करेंगे? लेटर को फिल करेंगे, फिर ये हमारा स्पेलिंग क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. तो BR, R के बाद फिल कीजिए O, फिर TH दिया हुआ है, फिर डैश दिया, वहां फिल करेंगे E. तो ये क्या हो गया हमारा BROTHERS, ब्रदर्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा SO-S. तो ये हमारा हो जाएगा SONS. ये हो गया हमारा कंप्लीट स्पेलिंग SONS, सन्स, ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हमारा M-ND. तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे स्पेलिंग. तो यहाँ पे जो डैश दिया हुआ M के बाद क्या फिल करेंगे? E-MEND, मेंड, ठीक है. तो ये हमारी स्पेलिंग कंप्लीट हो गई. फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड PR-ST. यहाँ पे टू टू डैश है, टू डैश है ना, तो टू डैश में फिल करेंगे.
दो स्पेलिंग यानी हमें दो हमारी लेटर यहाँ पे फिल करनी है, तो क्या फिल करेंगे, पी आर आई और सेकंड वाले में ई, पी आर आई ई एस टी प्रिस्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा वी ओ आई डैश डैश, इसमें कंप्लीट करेंगे स्पेलिंग, तो ये हमारी हो जाएगी वी ओ आई सी ई वॉइस, पहले सी और फिर ई, ये हो गई हमारी वॉइस वी ओ आई सी ई वॉइस। फिर नेक्स्ट है हमारा डी डैश वाई, तो इसमें हम फिल करेंगे डी ए वाई, तो ये हो गया हमारा डे। नेक्स्ट हमारा के एन डी, क्या दिया हुआ है, के एन डी, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे के बाद जो आए के डैश एन डी, तो जो डैश दिया वहां पे फिल करेंगे आई, तो ये हमारा हो जाएगा के आई एन डी काइंड। फिर नेक्स्ट एम आई डैश डैश आई एन जी, तो इसको कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा जो डैश एम आई पर फिर फिल करेंगे एस और फिर दूसरे वाले में भी एस, तो ये हमारा हो जाएगा एम आई डबल एस आई एन जी मिसिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा पी आर डैश बी एल ई डैश, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर ओ पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम, पी आर ओ बी एल ई एम प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट द स्पेलिंग भी कंप्लीट हो गई, सारे स्पेलिंग्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। फिर नेक्स्ट हमारा सर्कल द करेक्ट वर्ड, सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो इसमें वर्ड करेक्ट होगा उस पर हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाले में हमारा कौन सा वर्ड करेक्ट है, पी आर एस टी, ये हमारा करेक्ट वर्ड नहीं है, पी आर ई एस टी, ये भी हमारा करेक्ट वर्ड नहीं है, फिर ये लास्ट पी आर आई ई एस टी, ये हमारा करेक्ट वर्ड है प्रिस्ट, तो यहाँ पे सर्कल कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा सेकंड, सेकंड में हमारा देखते हैं एन ए यू जी एच टी वाई, ये फर्स्ट ही हमारा ये करेक्ट वर्ड है, एन ए यू जी एच टी वाई नॉटी। फिर नेक्स्ट हमारा ई एल डी ए आर अल्डर ई एल डी ई आर, तो ये हमारा सेकंड वाला जो है वो करेक्ट वर्ड है, ई एल डी ई आर अल्डर एल्डर। फिर नेक्स्ट फोर्थ हमारा एम आई एस एम आई डबल एस सी एच ई एफ, तो ये हमारा करेक्ट वर्ड नहीं है, एम आई एस सी एच आई ई एफ मिसीफ, तो ये मिसीफ हमारा करेक्ट वर्ड है, तो इस पर हम लोग सर्कल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सर्कल द करेक्ट वर्ड भी कंप्लीट हो गया, फोर था हम लोगों ने करेक्ट वर्ड पे सर्कल कर लिया, फोर हमारे कंप्लीट हो गए। पेज टर्न कीजिए, ये राइट द राइमिंग वर्ड्स द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसको हमको राइमिंग वर्ड्स बनाने, राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है कि जो वर्ड्स है उससे आपका जो नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे वो उससे मैच करता हुआ हो, जैसे आप लोग जो पोएम करते हो, जो पोएम को राइमिंग बोलते हैं ना, तो उस टाइप में आपका वो जो वर्ड हो एक दूसरे से मैच हो, हियर का दियर एल्डर दिया होगा तो इससे मैचिंग कोई वर्ड बनाएंगे, दे तो इससे मैचिंग कोई वर्ड बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राइमिंग वर्ड, दे दिया हुआ तो इसका कर लीजिए वे, तो ये हो गया हमारा दे का वे हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा एल्डर, एल्डर का राइमिंग वर्ड हो जाएगा बिल्डर, बी यू आई एल डी ई आर बी यू आई एल डी ई आर। नेक्स्ट दिया हमारा बॉय, तो बॉय का हो जाएगा राइमिंग वर्ड स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ मेंड, मेंड का हो जाएगा बेंड बी ई एन डी बेंड। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा वेंट, वेंट का राइमिंग वर्ड सेंट एस ई एन टी सेंट, तो ये हो गए हमारे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड भी हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट थी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए फिल करते हैं, द डैश ब्रदर्स वियर वेरी नॉटी, कितने ब्रदर्स थे जो बहुत ही नॉटी थे, तो हमारे टू ब्रदर्स थे ना, तो द टू ब्रदर्स, तो यहां पर फिल करेंगे टी डब्ल्यू ओ, द टू ब्रदर्स वियर वेरी नॉटी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, द मदर आस्क द प्रिस्ट टू पुट डैश ऑफ गॉड इन हर सन्स,
तो इसमें हम लोग फिल करेंगे फियर। फियर मीन्स भगवान का डर लाना चाहती थी ना, कि भगवान की डर से वो लोग सही हो जाएं। तो द मदर आस्क द प्रिंस टू पुट फियर ऑफ गॉड इन हर सन्स, कि उनके बेटों के अंदर भगवान का डर आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्रिंस कॉल्ड द सॉरी कॉल्ड हर डैश वन बाई वन। जो पुजारी जी थे, इन जो प्रिंस थे, उन्होंने क्या किसको वन बाई वन बुलाया, सन्स को, उनके बेटों को। तो फिल करेंगे एस ओ एन एस, सन्स को वन बाई वन बुलाया, तभी फिल कर देंगे सन्स। फिर नेक्स्ट है बोथ द ब्रदर्स डिसाइडेड टू डैश दियर वेज, वो दोनों भाई क्या डिसाइड करते हैं, कि हम अपने रास्ते को सुधार लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, मेंड, एम ई एन डी, मेंड। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ एंड लास्ट है द डैश ब्रदर ट्रेम्बल अ लिटिल, कौन वाला भाई एकदम डर के कांपने लगा था, उस चीज से डर गया, कांपने लगा था। तो ये हमारा हो जाएगा एल्डर ब्रदर, ई एल डी ई आर, ई एल डी ई आर, द एल्डर ब्रदर। तो ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी। फिर नेक्स्ट हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देखिए जितनी मैंने एक्सरसाइज कराया आपको, जैसे कि अभी ये टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, फिर कंप्लीट द स्पेलिंग्स, सर्कल द करेक्ट वर्ड, राइमिंग वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आप लोग बुक में ही फिल करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग बुक में फिल कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इसके लिए हम लोग मोरल साइंस की नोटबुक निकालेंगे, जिसमें आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, उस कॉपी को निकालेंगे और उसमें इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ये जितने भी एक्सरसाइज है उनको कॉपी में नहीं करना है, वो कहाँ रहेंगे, हमारे बुक में ही फिल रहेंगे, उनको कॉपी में नहीं करना है। कॉपी में हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन आंसर करना है। और जिस कॉपी में आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर किया उसी कॉपी को निकालेंगे और इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे। तो टेक आउट योर मोरल साइंस नोटबुक, तो चलिए स्टार्ट कीजिए कॉपी में करना अपना क्वेश्चन आंसर। चैप्टर टू डालिए एंड चैप्टर का नेम डालिए फियर ऑफ गॉड। मैं बार बार बोल रही कि उसी कॉपी में करिएगा जिसमें चैप्टर फर्स्ट आप लोगों ने लिखा, यानी कि चैप्टर टू लिखना है तो न्यू कॉपी नहीं, जिसमें आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट यानी मोरल साइंस का चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर किया होगा वही कॉपी को निकालेंगे। लिखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट डिड द मदर आस्क टू प्रिस्ट हर हिज सन्स। आंसर है हमारा द मदर आस्क टू प्रिस्ट टू टॉक टू हर सन्स एंड पुट द फियर ऑफ गॉड इन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टू, लाइन छोड़ छोड़ के लिखिएगा, नीट एंड क्लियर लिखिएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद भी आप लोग लाइन छोड़ेंगे, यानी कि मैम ने क्वेश्चन लिखने के बाद लाइन नहीं छोड़ा है तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं मैम बड़ी है इसलिए मैम ने लाइन नहीं छोड़ा है, आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद लाइन छोड़ के फिर आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू हमारा, हू वेंट टू प्रिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। आंसर है यंगर सन वेंट टू प्रिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर थर्ड डालिए, लाइन के इधर क्वेश्चन डालेंगे, ठीक है, लाइन के इधर साइड में हम लोग क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फिर थ्री लिखेंगे। फिर क्वेश्चन हमारा, व्हाई डिड द यंगर ब्रदर रन टू हिज एल्डर ब्रदर। तो आंसर है आपका बिकॉज ही थॉट दैट गॉड इज मिसिंग एंड एवरीबडी थिंक दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर हमारा, वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी फियर ऑफ गॉड इज मोर फियरफुल देन एनी अदर फियर। तो ये आपका क्वेश्चन आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। फोर क्वेश्चन थे, इन फोर क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। इस क्वेश्चन आंसर को अपनी मोरल साइंस की कॉपी में, जिसमें आपने चैप्टर फर्स्ट किया है उसी को उसमें उसी कॉपी में इसको करेंगे। एक्सरसाइज को आपको बुक में फिल करना है, उसे कॉपी में नोट नहीं करना है। तो जो आज का क्लास है आप लोग का यहीं पे ओवर होता है। सो थैंक यू सो मच।